कहीं ना कहीं ये वीडियो बनानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। वैसे तो हम फ्लिपकार्ट पर कई ऐसे वीडियोस बना चुके हैं इसके स्कैम के लेकर, इसके फ्रॉड को लेकर, और कह सकते हैं इसकी पॉलिसी को लेकर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छे खासे लोग का आया है, और मैं जनरल वीडियो बना चुका हूँ। और जो मेरे साथ फ्लिपकार्ट की तरफ से हुआ है, मतलब फ्लिपकार्ट ने जो मेरे साथ किया उसके लेकर भी अपनी एक्सपीरियंस को भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है कई बार। और उसी तरह इसमें फ्लिपकार्ट पर एक नया स्कैम चलने रहा है, और नए स्कैम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बन रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और ये मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट के लिए खिलाफ़ हूँ, अमेजन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी भी ऐसे एप्लीकेशन या किसी ऐसे शॉपिंग प्लेस के लिए मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं एक अवेयरनेस के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। और ख़ास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं उस पर शॉपिंग नहीं करता हूँ, उस पर प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, मैं उस पर प्रोडक्ट बाई भी करता हूँ, परचेज भी करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई ना हर घर के अंदर किसी ने कोई ना कोई फ्लिपकार्ट के अंदर ऐसा जाके ऑनलाइन कुछ चीज़ प्रोडक्ट परचेस करते रहता है। लेकिन इसी परचेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको साथ स्कैम भी होते देखने को मिल जाता है। अब ये स्कैम आपको फ्लिपकार्ट को देखना चाहिए। देखिए बात यह होती है, कभी अभी हम किसी प्रोडक्ट को मिला ऑर्डर करते हैं तो देखने को मिल जाता है जो कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ऑर्डर तो हो भी जाता है और ऑर्डर हो जाने के बाद बीच में कैंसिल हो जाता है। ऐसा कब देखने को मिलता है? अक्सर हमारा पेमेंट इस सिलसिले में फंस जाता है, जब हम कह सकते हैं पेमेंट कर लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और ऑर्डर हो जाने के बाद एक दो घंटे बाद पेमेंट सब सक्सेसफुल वगैरह सब कुछ हो गया, एक दो घंटे बाद या कह सकते हैं एक दिन बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, हमारा रिफंड जो क्या है फंस जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं, हमने ऑर्डर कैंसिल भी नहीं किया, हमने कुछ किया भी नहीं, छिड़खानी भी नहीं किया, लेकिन ऐसे में देखने को मिल जाता है ऑर्डर कैंसिल। अभी हाल ही में कई इंडिया के अंदर ऐसे केस देखने को मिले, कई रिपोर्ट देखने को मिले, कई लोग ने इसी चीज़ को लेकर रिपोर्ट किया कि इस चीज़ को लेकर मेरे साथ ऐसा हो गया है और कि पैसे रिफंड भी नहीं है। ऐसे देखें फ्लिपकार्ट अंदर पॉलिसी ऐसी है रिटर्न करने के लिए, अगर पैसा रिफंड को लेकर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट ऐसे चीज़ के अपनी तरफ ऊपर ले ही लेती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे किसी प्रोडक्ट को हम मैंने कोई प्रोडक्ट मैं ऑर्डर किया, उस प्रोडक्ट को मैंने और मेरे पर डिलीवरी हुआ, फिर उस चीज़ में कोई फॉल्ट वगैरह डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है तो फ्लिपकार्ट अपने पर भी रिस्क नहीं लेती है ऐसी चीज़ लेकर। तो मैं ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोग को एक सजेस्ट करूँगा कि आप जब प्रोडक्ट को जब बाय ही करते हैं तो जैसे कि कह सकते हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम भी है यूट्यूब इस सिस्टम में, बहुत से लोग जहाँ ओपन डिलीवरी सिस्टम नहीं होती है कई प्रोडक्ट पर, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है, तो ही ऐसा वीडियो देखने को मिल जाते हैं ऐसे केस में। ओपन बॉक्स डिलीवरी जब होती है तो आप लोग बकायदे वीडियोस बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, फिर जाके उससे ये करते हैं तो सही रहे। देखिए होता है कि कहीं ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है ना, तो वहीं पर लोग आप देखेंगे वहीं पर रिटर्न कर देंगे, आपका बच गया ठीक। और बात रही दूसरी बात, आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको इसमें भी बेनिफिट है। कैश ऑन डिलीवरी में आपको डाउट होता है उस प्रोडक्ट पर किसी प्रकार से, तो आप वहीं से प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, आपका पैसा अपने जेब में। तो मैं कहूँगा कभी भी अधिकतर कोशिश कीजिए, कभी भी फ्लिपकार्ट के अंदर या अमेजन के अंदर कहीं भी शॉपिंग करें तो कैश ऑन डिलीवरी का अधिकतर ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करें। हालांकि कई ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, होता है लोग ये भी बोलेंगे कई ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं वहाँ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देता है, तो ऐसे जगह पर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन का भी फ़ायदा उठाएं, उस चीज़ के यूज करें। ऐसे तो नहीं है 90% कह सकते हैं कोई चांसेस होते हैं बचने के, लेकिन ऐसा भी होता है कभी अभी कि अभी इस स्कैम जो चल रहा है, कभी अभी देखेंगे कि डिलीवरी बॉय भी उसमें भी कभी भी इन्वॉल्व सबसे अधिक देखने को मिल जाते हैं। कभी आपकी ऊपर से तो आपको पैकिंग वगैरह सब कुछ अच्छी तरह मिल जाएगी, लेकिन बीच में कहीं से कहीं पैकिंग खोल के उसी तरह करके अंदर का प्रोडक्ट निकाल के बदल दिया जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो ऐसी गड़बड़ी होती रहती है, तो आप लोग की एक अवेयरनेस से कभी भी शॉपिंग करें फ्लिपकार्ट के अंदर या अमेजन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा संभल के करें, और बहुत ही अच्छी चीज़ें कोशिश करें कि आपको ऑफलाइन वो प्रोडक्ट मिल जा रहा है तो उतना जाए नहीं, क्योंकि देखने को मिलता है 10% 5% छूट डिस्काउंट के चक्कर में लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो आपको हो सके तो आप ऑफलाइन में प्रोडक्ट मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को बाय करें, क्योंकि 10% 5% के चक्कर में आप ज़्यादा गंवा जाने की बैटरी चांसेस होती है। तो ऑफलाइन में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ देखने को मिलेगा, सेफ जोन रहेगा। किसी दुकान पर जाके प्रोडक्ट मिलेंगे उसका रिजेक्ट हुआ जाकर उसको मुंह पे पटक देते हैं लोग, होता है पटक देते हैं कि यह कि प्रोडक्ट ख़राब है, आपने इस ख़राब प्रोडक्ट दिया, आपने ख़राब मोबाइल दिया है, ख़राब चीज़ें दी है, को भी वगैरह वगैरह सही चीज़ें हैं ठीक ना। तो
तो इस तरह से कोशिश करें, जब आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है, जो ऑनलाइन ही मिलता है प्रोडक्ट, कुछ इसी प्रोडक्ट को देखिए, थोड़ा बहुत वही चांसेस होते हैं, और ये प्रोडक्ट के साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं जो प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है, मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट में ही अधिकतर देखने को मिल जाता है फ्रॉड के अंदर। तो ऐसे केस काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, तो आप लोग अवेयरनेस रहें और शॉपिंग करें, संभल के शॉपिंग करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स चलते हैं और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा देखिए सेल्स चलेगा। अभी देखिए वेदर चेंज हो रहा है, मतलब मौसम चेंज हो रहा है, ठीक ना, रेनी सीजन आ रही है, इस सीज़न में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा कि इसके बाद कई फेस्टिवल आने वाले हैं, उस फेस्टिवल में आपको कई ऐसे सेल्स, अच्छे अच्छे सेल्स देखने को मिलेगा, और इस सेल्स के अंदर आपको कैसे फ्रॉड देखने को मिल जाता है, तो आप संभल के ही सेल्स, किसी सेल्स का मत पर जाए, तो कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेस करें तो संभल के ही करें। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लगा कि जब दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।